Hi guys, follow me on Instagram to never ever miss any of my crazy updates. Hi guys and welcome to another vlog. 1 million subscribers done in 3 years. Such an exciting time. Now today I'm... Okay, I can hear something loud. Let's get inside the car and talk. Today I'm going to be talking about my journey all throughout my life. How I was born. That is not right. I mean, when I was born and what all I did. Isse pehle, let's get going in the Toyota Fortuner. Noreen, you can say hi. Hi. Always wearing a mask. Look at her. COVID safety. Gaadi on karo. Garmi ho rahi hai bahut. ये व्लॉग हम लोग शूट कर रहे हैं एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक व्हेन द सन इज ऑन टॉप ऑफ द हेड. इट इज सो हॉट. प्लस आई ऑल्सो मेक इट मोर हॉटर. माई मदर साइड इज फ्रॉम यूपी. दैट्स आई वाज बोर्न इन लखनऊ. माई फादर साइड इज फ्रॉम राजस्थान बट माई डैड वॉज इन द आर्मी. दैट्स वाई वी एंडेड अप इन मुंबई. दस आई बीन इन मुंबई सिंस द 1990s. माई एजुकेशन वॉज इन एन ICSE स्कूल. आफ्टर दैट आई डिड साइंस इन 11th एंड 12th एंड आई वॉज मिजरेबल एट इट. But my parents were insisting that you have to continue doing something like engineering or sort. So they put me in BSc IT, which I flunked one full year, gone and waste completely. Then I went into, no, before that I did something very interesting. And that interesting thing was blogging, of course. I started blogging in 2007. But before that, I started writing on forums and I got really interested in writing as such. My English was so poor that if I read what I wrote in 2006, now my eyes would literally bleed. It was that freaking bad. बट ये सब ब्लॉगिंग के साथ साथ पेरेंट्स वाले कुछ तो पढ़ लो बेटा, कुछ तो पढ़ लो. सो दे पुट मी इन BMS विच इज़ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ इन महाराष्ट्र. बाकी जगह आप उसको बोलोगे BBA. सो जस्ट बिफोर आई स्टार्टेड डूइंग BBA और BMS आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग एंड ऑन अ फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड blogspot.com. क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी खराब थी ना, सब फोरम पे मैं बैन हो गया था. सब फोरम पे तो मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया, हम लाइक बस बहुत हो गया. अब मैं खुद की वेबसाइट पे लिखूंगा जो कचरा लिखना है. मैं खुद को तो बैन नहीं कर सकता. सो आई स्टार्ट राइटिंग ऑन blogspot.com एंड देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स. सो प्राउड आई लाइक, ये देखो बेटे की वेबसाइट है, कोई मेहमान आ जाए, ये देखो मेरा बेटा ना ब्लॉगिंग करता है. वेबसाइट का नाम क्या है? इतनी लंबी वेबसाइट बिकॉज .blogspot.com आता था ना, बीच में बहुत एम्बैरेसिंग होता था. तो देन आई वाज लाइक, मुझे डोमेन चाहिए, आई नीड टू रजिस्टर अ डोमेन एंड आई वांटेड अ .com डोमेन ओनली. मेरे को और कोई डोमेन चाहिए ही नहीं था. नाउ उसमें एक और प्रॉब्लम है, फाइंडिंग अ .com डोमेन वाज वेरी डिफिकल्ट. तो आई मेड सो मेनी लिस्ट एंड पेड एंड ऑल. फाइनली motorbeam.com अवेलेबल था. उसको रजिस्टर करने में 1 month लगा बिकॉज माई ब्रदर जावेद, he had a credit card, I did not. तो मैं register कैसे करूँ, and he is a little lazy, okay. So he took almost 1 month to register motorbeam.com. So जो 2007 में मैंने blogspot पे blog बनाया था, that turned into motorbeam. फिर वहाँ से वो WordPress पे गया. And meanwhile, I was also graduating. I got so much interest in studies because commerce is my thing. I didn't know till I actually started doing commerce. I loved it. I was stopping in subjects where the commerce guys who have done 11, 12 commerce were like shocked कि अकाउंट्स में इतना अच्छा कैसे. आई रिमेंबर आई हैड टॉप 10 आई थिंक लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट. अकाउंट्स में मैंने टॉप किया था. अकाउंट्स में मेरे को 90 प्लस हमेशा मिलते थे. तो सब लोग ऐसे देखते थे ये कर कैसे रहा है. सो द होल थिंग इज दैट डू वॉट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड आई वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन कॉमर्स. अगर मैं साइंस ही परस्यू करता आई वुड हैव बीन अ टेरिबल इंजीनियर. मुझसे तो होती ही नहीं इंजीनियरिंग, पता है कितने सारे KT लगते हैं, आई कांट इवन इमेजिन. सो दैट्स वॉट हैपेंड लेटर दैट आई वॉज स्टडिंग वेरी वेल. आई वॉज एक्सेलिंग इन मार्क्स ऑन वन साइड. ऑन द अदर साइड आई वॉज ब्लॉगिंग विच एवरी डे आई टू डू नो मैटर वॉट. जैसे अभी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ वैसे मैं एवरी डे आई टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट. एक आर्टिकल लिखता था, कितना भी कचरा हो रोज का रूटीन था. आई यूज टू राइट एंड बहुत गंदा लिखता था, ठीक है. एंड आई यूज टू डांस. आई यूज टू गो टू शामक दावर टू डांस. आई यूज टू गो टू द जिम. इनफैक्ट आई वॉज सो स्लेंडर ना कि इन स्कूल ना गर्ल्स यूज टू पुट देयर हैंड लाइक दिस through my shoulder till my arms to my wrist and they were like, that was the level of slender. I went from 50 kgs to 80 kgs gymming extremely hard, dancing, gymming. That was the time of my life. I was doing so many things. There was no time to think what I'm doing right or wrong. Why do you think you're talking to me for the first time? No, because all what you have said is the same thing when we spoke for the first time. I got to know, right? So it's like I'm talking to you for the one first second time. Huh? मैं आपको bike भेज रहा था. Why am I telling you my life history? कोई interview चल रहा था क्या? नहीं, मतलब उसके बाद हमने जब बात किया. अच्छा हाँ. Yeah, and I got to know like what you do, how did you start and all. So I just got reminded. Oh yeah, you're repeating the same thing. But this is the first time seeing all this on camera. On camera. But so this is the first time you're also hearing all this. नहीं, थोड़ा बहुत पता है like about your MBA and about you flunking. Flunking वाली तो secret है, किसी को नहीं बताना. Shh. You already said it on the camera. तो तुम edit में काट दूँगा, किसको क्या पता चलने वाला है. देखते हैं. सेकेंडली पता है मेरी जो हाइट है ना वो हमेशा 6'2" थी. उसी हाइट में मेरा वजन लाइक 50 kgs भी रहा है. अभी तो आई एम 77 kgs. आई हैव बीन 85 kgs ऑल्सो. 85 kgs में इतना पैनिक हो गया था ना मैं एक बार. आई हैड फैट लॉस पिल्स.
And you had fat loss pills? Yes, मेरी बॉडी से पूरा पानी निकल गया था, इतना खराब था. You wanted to lose weight? I wanted to get cuts ना, तो मेरे को पूरा पानी निकालना था बॉडी से. वो ट्रेनर ने मेरे को बोला आपके बॉडी में बहुत पानी है, सो वो निकालोगे तो आपके मसल एकदम वो हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, लाइक रिब्ड कट्स एंड ऑल. कौन से ट्रेनर के पास गया? I could not sleep for 4 days. But it has a lot of caffeine ना, fat loss pills. You're not supposed to do that. मैं सो ही नहीं पाया 4 दिन तक, तो मैं सोया ही नहीं. I was like literally like rotating on the bed, and I'm the person who can sleep anytime. Yeah, but then you're not supposed to do that. No wonder you became a slender man. Of course. Why am I coming? Kya? Why am I coming? Camera ka angle aise to aaoge na. You can't become invisible. It's your 1 million. I know, right? The video is about you. I know. It is my show. Like Arnab says always. Anyways, so then what happened was that मुझे इतना interest आ गया था ना studies में all of a sudden, and I'm doing this blogging also, and suddenly car makers are also like sending me press releases. एक email आई car makers से, and they're like, you know, मैंने ये launch किया. I'm like, oh my god, wow, मुझे email करते हैं ये लोग, कितनी अच्छी बात है. आज के दिन तो मैं irritated हो जाता हूँ, मुझे emails आते हैं. I'm like, कितनी press release एक बार भेजोगे तुम यार. So then what happened ना कि कोई तो Mercedes की गाड़ी थी, तो कहीं से मुझे contact मिला था PR का Mercedes का. This was in 2009. I messaged and I said, मेरे को Mercedes car चलानी है, and I want to drive the C-Class, I want to review. You won't believe it. They actually sent me the car for 3 days. मतलब driver के साथ भेजा था, but 3 दिन के लिए गाड़ी भेजी, and I was so ecstatic. That my first car, media car which I drove, was a Mercedes Benz C-Class. I think this was a C200. तब CGI करके आती थी कुछ तो. Avant-garde. How many cars have you driven अभी तक? Do you have a rough idea? 1000+. But we'll come to that in a bit. Sanitizer. अब आवाज आ रही है ना उसकी, vibrations की. Oh, okay, okay. So now I was studying very well. I was doing exceptionally well. My parents were always worried about me. They were like, क्या बच्चा drug ले लेगा गलत company में? पढ़ता नहीं है, गंदे मार्क्स लाता है. सो माई डैड हैड अ बेट विद मी, लाइक यू गेट 70% मार्क्स एंड आई विल बाय यू अ मोटरसाइकिल. एंड आई ऑलवेज वांटेड अ मोटरसाइकिल, आई वाज क्रेजी बिहाइंड मोटरसाइकिल. तो पार्ट ऑफ द रीजन टू स्टार्ट मोटरबीम वाज आल्सो दिस, कि मेरे को खुद की मोटरसाइकिल लेनी है, बिकॉज माई डैड, यू नो, आफ्टर ही सेड कि आई विल बाय यू अ मोटरसाइकिल, पलटी. वंस आई गॉट 76% इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ माई BMS, ही डिडंट गिव मी अ मोटरसाइकिल. ही सेड इट्स नॉट सेफ फॉर यू, एंड आई वाज सो अपसेट. आई एम लाइक, आई एम गोइंग टू अर्न एंड बाय अ मोटरसाइकिल राइट नाउ. सो पैरेलली बहुत सारी स्टोरीज चलती रही, but what I knew was I gave my heart and soul into studies, and I'm this last moment guy for everything. Vlog bhi na end moment mein karunga, padhai bhi end moment mein karunga, sab kuch end moment mein. But end moment mein full dedication ke sath I used to study with so much dedication na, that I used to get really good marks. I remember that time ek bar electricity gayi thi, main candle mein padh raha tha, candle light mein, Red Bull on one side, book dusre side mein, and I was doing all that. Can you believe it? Now सीन ये हुआ कि पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, यहाँ पे इवेंट्स पे बुदे आर कॉलिंग मी फॉर लॉन्चेस एंड ऑल, एंड लॉन्चेस पे इट वाज लाइक इनसेन, बिकॉज तब इतनी वैल्यू नहीं थी ना ऑनलाइन की, तो दिल्ली जाना पड़ता था लॉन्च के, सुबह जाओ शाम को. आई यूज टू गो फॉर दोस्त, जावेद यूज़ टू गो फॉर दोस्त, जस्ट टू मेक कॉन्टैक्ट्स विद ब्रांड्स, ताकि कल हमें टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी मिल सके. एंड यू स्टार्ट गेटिंग कार्स, बट आई हैड माई फोकस कि मेरे को MBA करना है. आई वॉन्ट टू डू MBA इन फाइनेंस, एंड मेरे को सिम्बी से ही करना है. सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिम्बायसिस एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड कॉलेज में सब दोस्त होते हैं, दोस्त सबसे बड़े because I'll tell you why. All of my friends were like, you know, we'll do MBA, we joined this time coaching and all, we used to go coaching, to bahana tha ghar se bahar nikalne ka, wahan se jaate the aur fir hum log movie bhi dekhte the, khelte the, time pass karte rehte the, god bless you, theek hai, sab time pass chalta rehta tha. But jab dates aane lagi na pass, all my friends back to, they're like, tu pagal hai, tu kya kar raha hai, tereko akal hai, you want to go and do MBA, pehle graduation to clear kar. And I was like, graduation mein kya badi baat hai, जो जो सपोजिंग MBA एंट्रेंस मिल गया और तेरा ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ, एक KTU हुआ, तेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. फोकस ऑन वन थिंग एट वन टाइम. एंड आई वाज लाइक, आई कैन अफोर्ड टू मिस अनदर ईयर. मैंने एक साल ऑलरेडी बर्बाद कर दिया ये आईटी के में, मेरे को नहीं करने का. आई वांट टू गो एंड डू माय MBA इन फाइनेंस, एंड मेरे को करना है सिम्बी से ही करना है. नाउ जस्ट इमेजिन, आई हैड दैट इन माय माइंड. ओके, देयर वाज वन फ्रेंड ऑफ माइंड, शी वाज लाइक, यू नो, डोंट वरी, आई विल ऑल्सो गिव सिम्बी टेस्ट, हम लोग दोनों साथ में स्नैप के लिए पढ़ेंगे. लाइक कूल, एंड यू नीड कंपनी टू डू ऑल दिस शिट बिकॉज यू आर यंग एंड स्टूपिड. But she also backed up, she's like, सिम्बी में बहुत सारे ड्रग्स व्रग्स होते हैं, मेरे को नहीं जाना वहाँ पे. एंड आई वॉज लेफ्ट अलोन. तब कुछ तो बाइंडिंग थी इसकी, सम प्रोजेक्ट बाइंडिंग आई हैड गॉन टू सम प्लेस. ओके, वहाँ पे ही फक्ड अप द बाइंडिंग, एंड आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड. आई केम बैक, आई शॉर्टेड मी, कैसे बाइंड कर दिया तुमने उल्टा सीधा, इसको ठीक करो. सो व्हेन ही वॉज डूइंग दैट, ठीक मतलब ठीक कर रहा था बाइंडिंग को, मैं बाहर वेट कर रहा था. मैन आई वॉज वेटिंग ना, आई मेट दिस सर ऑफ माइंड हु इज टू टीच इन टाइम. सो हम लाइक, सर क्या कर रहे हो? ही लाइक, कुछ नहीं, अभी मैं प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर ऑल दिस, मतलब बच्चों को प्रिपेयर कर रहा हूँ एग्जाम के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए. हमने कौन सा बोला, स्नैप क्लिक कर रहा हूँ. हम लाइक, स्नैप तो 10 दिन में क्या प्रिपेयर करोगे? ही लाइक, हो जाएगा, तुझे करना है, मैं तेरे को 10 दिन में करके देता हूँ. लाइक, कूल, लेट्स डू इट. माय मैथ्स इज वेरी पुअर, सो आई बाय हार्टेड एवरी आंसर ऑफ मैथ्स, एंड आई गेव द एप्टीट्यूड टेस्ट. आई रिमेंबर
one of my dad's friend's daughter, she had also done, it's my negative marking, 180 questions. She had put, like, she had written 180 answers. Some of the sub attempt kiya. I didn't attempt all. I attempted only the ones which I think I knew were right, in order to get the right marks, just to get a call from Simbi. And I cleared it. Ab clearing is baat hoti hai, usko phir clearing the interview and the group discussion was another headache. Why would you say IT's? So half the work was done of getting a call from Simbi, but the other half was more stressful because I went for a mock interview and I literally cried. They asked me, why you wanted to do an MBA? Why didn't you go in army? Your dad was in the army. Are you less patriotic? You should go in the army. Itna matlab rula diya. I'm like, bas mujhse na hoga. What I did, I went to college. I picked up all the toppers from there. I took them to the library. I'm like, I'm going to treat you. You need to help me crack this interview. We sat in the library. Sub questions which can be asked. Uski list banai. Maine ratta mara. Theek hai. करंट अफेयर्स तो जीरो था मेरा एंड उसमें दे आस्क ऑल्सो करंट अफेयर्स सो आई स्टार्ट रीडिंग न्यूज़ पेपर सब कुछ रट्टा मार लिया एवरी थिंग बाय हार्ट करके आई वेंट आई क्रैक द इंटरव्यू आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सिम्बी मीन वाइल साइड बाई साइड ऑल्सो माई वेरी फर्स्ट मीडिया ड्राइव इवेंट हैपेंड विच वॉज फोर्ट फिगो इन गोवा इन 2010 अर्ली 2010 जनवरी में मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही थी ना दैट ऑन द वे टू द एयरपोर्ट ना आई फेल्ट सो प्यूकिश जस्ट इमेजिन इट वॉज अ ह्यूज शिफ्ट फॉर मी बट This is when the golden era started of doing MBA because MBA changed me completely. MBA experience because it was a residential course in-house. I was staying in a hostel inside the campus. It was amazing. It was next level. Us pe main ek alag video bana sakta the MBA experience because trust me, MBA taught me a lot of things. I came into that belief that you know what, marketing is everything. Everything else is nothing because if you can market well, which Mahindra does, you can sell better than a brand which makes better cars like Tata. MBA changed me completely as a person. The kind of training I got, the kind of mindset change was amazing. And ye sab simultaneously, I was also doing motor beam. And guess what? I used to come to Bombay, Pune se Bombay aaja tha to drive a car and all that stuff. But if I miss one exam, there's a straight KT. There's no re-exam. वहाँ पे इतने strict है ना. It's not like you get a medical certificate, they will pardon you. They will be like, तुम्हारी problem है. अगर you are seriously ill, you have to get a health certificate from medical certificate from SCHC, which is Symbiosis Center of Healthcare. तो ये सब के साथ आई वॉज मैनेजिंग बोथ द थिंग मोटर भी मैनेज करता था जावेद ऑब्वियसली हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग दोस टाइम्स बिकॉज आई कुडंट कम फॉर ऑल द कार्स आई मिस सो मेनी कार्स दैट टाइम आई रिमेंबर जीएल आई थी मैं नहीं चला पाया बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे थे ऑटो एक्सपो में मैं सुबह आके निकल जाता था शाम तक बिकॉज आई हैड टू रीच बैक टू कॉलेज दैट दोज डेज वर हेक्टिक एंड अ लॉट ऑफ सैक्रीफाइस बट आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट माई एमबीए इन फाइनेंस विदाउट एनी केटीज विच आई मैनेज टू डू सक्सेसफुली उसके बीच में इंटर्नशिप होती है इंटर्नशिप के टाइम ना आई रियलाइज वन थिंग कि आई कैन नॉट वर्क इन एनी कंपनी बिकॉज आई कैन सिट आइडल ठीक है मुझसे होता ही नहीं काम खत्म हो गया मेरे को जाने का है एंड देन यू नो माई पेरेंट्स आर लाइक वाई यू वॉन्ट टू जॉइन अ कंपनी आई गॉट ऑफर्स इन इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल्स इन मल्टी नेशनल कंपनीज विच वुड इवेंचुअली टेक मी टू न्यूयॉर्क विच वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ ड्रीम टू बिकम अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट इन न्यूयॉर्क बट My parents are like, you do motor beam. Whatever you want to do, we know. कितने भी interview दे दो, तुम तो motor beam ही करने वाले हो. So yes, parents से बहुत ज़्यादा support था. So after MBA, I took motor beam as a full-time job. Started hiring people, and from there things started smoothing out. But ज़्यादा pressure हो गया because first 5 years there was no pressure of results or to reach milestones either because it was all chill. It was like a hobby. Then pressure started to build up. In 2014, I got a call from this company called Kyuki, and they were like, we can help you make videos. And I was like, what the hell? I tried to avoid them. But what happened is, when I went to meet them, I realized, मैंने बहुत कॉल करते थे मैंने कहा चलो मिल नहीं लेते हैं जब मैं मिला I realized they are so passionate about automobiles ना so I joined them. वहाँ से मैंने पूरी वीडियो एडिटिंग वीडियो मेकिंग सीखी ठीक है इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न ऑल दोज थिंग्स 2-3 years तो आई वाज लाइक फुली ऑब्सेस्ड हर वीडियो से पहले आई वुड लाइक गो मैड आई शुड रिप्लाई टू ऑल द कॉमेंट्स एंड ऑल इट वॉज एब्सोल्यूटली मैडनेस वो चला 2017 तक 2017 में आई वाज लाइक चलो मतलब ऐसी रैंडम वीडियोस बनाना शुरू करते बिकॉज आई वाज लाइक अभी बहुत लोग हो गए हैं सो आई डोंट नीड ऑल माय टाइम इनटू मोटर बीम मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकता हूँ एंड वो टाइम निकाल के आई कैन जस्ट मेक रैंडम वीडियोस दिस व्लॉग विच आई एम डूइंग फास्ट बीम उसमें बिल्कुल भी कुछ टारगेट नहीं था एकदम चिल था एकदम रॉ था एकदम फन था इट वॉज जस्ट आई कुड बी माई सेल्फ देर वॉज नो प्रेशर देर वॉज नो एक्सटर्नल पर्सन टू टेल मी तो सही कर रहा है गलत कर रहा है और कोई देख भी नहीं रहा था तो मैंने कहा चलो अपने लिए बनाता हूँ मैं ये हाउ डू यू लाइक द फॉर्च्यूनर Not better than the Endeavor. ऐसा क्यों? I told you right. Endeavor चलाते वक्त तो you were like अरे Fortuner is so much better. See. That was like बहुत time हुआ था चला के I couldn't compare on an immediate basis. But this was just like one day difference and I'm like oh god this is so rugged. This is like हर चीज हिलती है इसकी. The steering vibrates, the brake vibrates, सब कुछ vibrate होता है. क्या? Seriously. So you're trying to say on that on top of it when you drive it it's like as if I'm towing some a big bus behind aise lagta hai ki wo to aapke wazan ki wajah se aisa ho raha hai but jo to aise lagta hai peeche ek bus ko tow kar rahe ho and it's like khich rahi hai gaadi you know people love the Fortuner why I know because in India a lot of people like vibrations that's why Royal Enfield bhi bahut bikti hai
Really. So let's get back to the vlog. And this is where it all started. Yes, vlogging started right here. Because I actually drive karke yahan par aata tha, park karta tha, chhota sa walk around karta tha initial vlogging days mein, and fir again drive karta tha. I didn't care at all about walk around. Meko bas driving feel deni thi. Baad mein I realized people are more interested to know about the features of the car. Isliye slowly, slowly I became a little bit more professional and organized. Otherwise, earlier vlogging was very raw, very unorganized. No one to monitor the camera. Camera teda hai, camera upar ja raha hai. Abhi to mujhe itni OCD ho jati hai. Camera thoda teda hota hai na, main edit mein seedha karne ki koshish karta hu. Shoot ke time dekhta hu ki seedha hai ki nahi. One person is obviously sitting with me to monitor the camera as well. So vlogging started from 2017. Now people will wonder ki ye bande ko gaadiyan kaise mili vlogging karne ke liye. Ab ek cheez realize karo, 10 saal se maine jo contacts banaye, jo effort kiya, jo kaam kiya hai, uske wajah se I had so many contacts that to get a car wasn't difficult at all. Because everybody knew me in the industry. So that's one big kickstart I got because of Motorbeam in my vlogging career, because I could just vlog comfortably whichever car I wanted, I could get it because gaadi aati thi Motorbeam ke liye initially aur fir main us pe vlog karta tha. Now I started to shoot a lot of videos between July 2017 and December 2017, but main kabhi video upload nahi kar paya time pe because main bahut procrastinate karta tha. I was like acha kal video dalna dal denge, din mein subah ho gaya chalo dopahar to dopahar ko dal denge, sham ko dal denge, raat ko dal denge, and wo bas karne ke liye I used to put the video raat ko dal diya. Because I have like timetable to banani hai. And anyway, since I was not looking to do anything with it, I was just doing it for fun. Aram se kar raha tha. But kya hota tha na, videos hamesha late jaate rehte the. Raat ko 12 baje kaun video dekhne wala hai. So abhi December mein bahut free tha because Christmas thi, vacation thi, kuch chhoot-poot nahi ho raha tha. So that time I had like 10-15 videos which were pending. Maybe 20 videos which were pending, wo dale nahi the. So that time I decided ek kaam karta hu main roz video dalunga 11:30 baje to put a timetable for myself. So that I don't procrastinate. Aur ek baar public mein bol dunga na, fir aisa nahi hoga ki are aaj video nahi aaya, sorry. That's when daily vlogging actually started and I started taking things very seriously and I started getting a stupendous response to pata chala ki walk around thoda bada bhi karna padega ab isliye ye hai nayi walk around location which actually started in 2018 itself. But before I started vlogging, I had actually done another YouTube channel. I was like, thoda diversify karte hain Motorbeam se. And that channel mein, I did a partnership, which was a big blunder. I realized partnership kabhi karni nahi chahiye. Maine kyun partnership ki? Because mereko editor aata nahi tha. So I had to get an editor on board. I could not afford to pay a full-time editor that time. 2016 ki baat hai. So maine kya kiya? I did a partnership with an editor. I realized partnership is the worst thing, avoided at every cost. And then I had no option, I had to learn edit. Vlogging se maine bahut kuch seekha hai. I met so many people, I got so many opportunities to go to places, meet new kind of people, drive new kind of cars. In fact, I remember Arushi ke saath Bhut Circuit pe I made a target that there are 10 car brands I want to drive. Usme se 6 to maine usi saal kar diye the. Trust me, 6 car brands I actually drove that year only, including Ferraris, Lamborghinis, and recently McLaren too. So, you know what? Vlogging say my life has completely changed and I'm sure I've been able to motivate a lot of you as well to do a lot of better stuff in life and always be motivated, even if it means me shouting good morning guys. Support gay, sorry. How's the car around the corners? Heavy. Bhook lag rahi hai. Bahut zyada. Do you know any good restaurant nearby? So reaching 1 million has taken me 3 years. However, it has taught me a lot of things like discipline, consistency, dedication. Because I've traveled to a lot of countries, there have been times I'm not well, I have a lot of commitments here, there, whatnot, but there's always been a video which has come. So planning has been at the forte of whatever I've been able to do. And trust me on this, in life you can achieve anything you want as long as you are dedicated and you want something badly, you will get it. So guys, thank you so much for watching this rather long story of mine, of my story of my life. The funny thing is, I do things so last moment, that ये वीडियो भी मैंने 1 मिलियन होने के बाद ही शूट किया हुआ है एंड यू कैन एक्चुअली ब्लेम मी फॉर दैट. वो क्या है ना, आई डिडंट एक्सपेक्ट 1 मिलियन टू कम सो फास्ट. वो थोड़ा जल्दी हो ही गया बीच में. इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप, दैट्स अ लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. द रीजन टू हैव अ फॉर्च्यूनर इन दिस वीडियो इज दैट आई वॉन्ट टू बी एज रिलायबल एंड ड्यूरेबल एज अ टोयोटा फॉर्च्यूनर. या इट डजेंट मीन दैट यू हैव टू बी परफेक्ट इन लाइफ, एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट एंड यू गो द लॉन्ग हॉल.